नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग और वेलकम बैक टू नॉलेज टपरी। दोस्तों, आप जब भी एक्सेल में काम करते हो तभी एक्सेल में आपको फॉर्मेटिंग के बहुत इशू आते हैं। ये फॉर्मेटिंग के इशू रिजॉल्व करने के लिए मैंने आज का एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपको सिर्फ फॉर्मेट सेल पे काम करना सिखाएगा। ये फॉर्मेट सेल्स एक्चुअली किस तरह से किए जाते हैं ये वीडियो से आप जान सकते हो, इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहे और फॉर्मेट सेल क्या होता है ये समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग और हम अब चालू करेंगे फॉर्मेट सेल्स। ये फॉर्मेट सेल्स दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ KNOWLEDGE & TAPRI। नॉलेज टपरी मैंने नाम डाल दिया। अभी दोस्तों मुझे नॉलेज टपरी पे फॉर्मेटिंग करना है। नॉलेज टपरी पे फॉर्मेटिंग करने का मेरे पास शॉर्टकट है, कंट्रोल दबा के आप 1 दबा सकते हो। कंट्रोल दबा के 1 दबाने के बाद आपका फॉर्मेट सेल का पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। फिर आप राइट क्लिक कीजिए, राइट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक फॉर्मेट सेल्स, तो फॉर्मेट सेल का पॉपअप बॉक्स तो इन दो तरीके से खोल सकते हो। यहाँ पर हमने जो देखा था कि उसकी प्रॉपर्टीज होती है फॉर्मेट सेल्स की, यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, अभी जनरल है, हम इसको यहाँ पर टेक्स्ट कर देते हैं तो एक टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा और मैं ओके कर देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेट, अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट देखो, आपको यहाँ पर अभी ऊपर भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है। मैं इसको अगेन राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स पे जाता हूँ, तो इसके प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। अब इसकी अलाइनमेंट, आपको यहाँ पर किसकी फॉन्ट के, आपके जो फॉन्ट है, वो जो आपका टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, तो अलाइनमेंट सेट आप यहाँ से कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर ऊपर भी सारे ऑप्शन मिलेंगे अलाइनमेंट बॉक्स में, ये इसके इसका यही है सारे शॉर्टकट्स, इसका क्विक एक्सेस यहाँ पर आपको देखे रखा हुआ है फॉर्मेट सेलिंग्स के लिए। तो आप इसको जनरल के लिए मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, बॉटम का मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। आपका अगर बहुत सारा टेक्स्ट होगा, आपका पैराग्राफ होगा, तो आपको इसका इफेक्ट समझेगा, अदरवाइज आपको इसका इफेक्ट इतना नहीं समझेगा। हाँ, आपको इफेक्ट समझने के लिए मैं ये कर देता हूँ, ये है आपके टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ 45 डिग्री। आप यहाँ पर डिग्री सेट कर सकते हो, ओके, डिग्री कर सेट कर सकते हो। रैपिंग टेक्स्ट, मर्ज सेल हम लोग आगे देख लेंगे, टेक्स्ट डिरेक्शन भी हम लोग आगे देख लेंगे, बट आप यहाँ से ये सेट करा सकते हो एट अ टाइम, क्योंकि आगे के वीडियोस में आपको इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत डीपली। ओके, मैं यहाँ पर फॉन्ट मुझे जो चाहिए फॉन्ट में दे दूंगा, फॉन्ट भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको स्ट्राइकर चाहिए तो स्ट्राइकर है, देखो आपके फॉन्ट के ऊपर एक स्ट्राइक आ गया। ओके, सुपर स्क्रिप्ट चाहिए तो ये भी आप करा सकते हो, जो चाहिए आपको, जो भी आपको चाहिए सुपर स्क्रिप्ट वगैरह, जो आप सब कुछ ऐड करा सकते हो यहाँ से। बॉर्डर ऐड करनी है, चलो मैं टेक्स्टिंग के लिए एक बॉर्डर भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको जो भी बॉर्डर देनी है वो बॉर्डर आप दे दो। देखो मैंने ऊपर और नीचे बॉर्डर भी दे दी। मुझे यहाँ पर कोई फिल कलर करना है तो मैं फिल कलर करा सकता हूँ, देखो मैंने एक फिल कलर भी करवा लिया। ओके, ये सब करके मैं जब ओके कर देता हूँ तो देखो मेरा जो नॉलेज टपरी, जो मेरा वर्ड है ना, ये देखो वर्ड बहुत ही अलग तरीके से मुझे दिखना शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगी। देखो मैंने ये, देखो इसको मैंने एक जब भी मैंने भर दिया तो देखो डेटा को मैंने फॉर्मेटिंग करने के बाद ये कुछ भलता ही दिखना शुरू हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो देखो बढ़ाने के बाद इसका थोड़ा सा लुक और भी चेंज हो गया। तो इसका सेल का हाइट में और भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो देखो ये और भी थोड़ा चेंज हो गया। इस तरह से दोस्त आप फॉर्मेटिंग करके आप अपने डेटा के ऊपर अलग अलग वेरिएशंस लगा सकते हो। दिस इज प्रेजेंटेशन पार्ट, व्हाइल डूइंग प्रेजेंटेशन दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो दोस्तों इन चीजों को अच्छे से याद करना और अपना प्रेजेंटेशन बनाना। अभी मुझे ये नॉर्मल करना है यार, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर का बटन मिल जाएगा, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी इस वीडियो में ये अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्लियर करके, मुझे जो क्या क्लियर करना है, मुझे इसका फॉर्मेट्स क्लियर करने हैं, तो मैं इसका क्लियर फॉर्मेट्स कर दूंगा। तो इसका जितना भी फॉर्मेटिंग है वो पूरा फॉर्मेटिंग नील होके ये नॉर्मल मेरा टेक्स्ट बन जाएगा। देखो तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये भी मेरा डेटा प्रॉपरली सेट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से इसके सेल के प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो और अपने सेल पे जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो ऑपरेशंस करा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी क्वेरीज रहेगी वो आप मुझे अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और मुझे पूछ लीजिए, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू ऑन योर क्वेरीज। तब तक के लिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।